वेलकम टू माय चैनल। आज क्या बनेगा? आज हम बना रहे हैं स्पाइसी लेकिन क्यूट सी चिकन स्टू। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही कम सामानों के साथ ये बन जाती है। सिंपल से घर के बने हुए मसाले इस्तेमाल करने हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। पहले से प्रिपरेशन भी नहीं करनी है। इतनी सिंपल है ये चिकन स्टू की रेसिपी, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। झटपट बनाने के बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कुकर में बनाएंगे हम अपने स्टू को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुकर में 2 चम्मच राइस ब्रैन ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1/2 चम्मच काली मिर्च के दाने हैं और 2 तेज़पत्ता लिए हुए हैं। ये सिंपल से मसाले सभी घरों में होते हैं। खड़े मसाले डालना ज़रूरी है, स्टू है। और अब हमने तेल के गर्म होने के बाद इन खड़े मसालों को डाल करके भुनना शुरू कर दिया है। हल्की आंच पर भूनिएगा। तेल गर्म होने के बाद गैस को स्लो कर देंगे। स्टू हमेशा स्लो कुक होता है, इसलिए तैयारी पहले से करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि घर में चिकन होना चाहिए और प्याज टमाटर होने चाहिए और थोड़ी दही भी चाहिए। मैं स्टू को थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके डाला है और जिंजर के जुलियंस भी डाले हैं। अदरक अवेलेबल है तो जुलियंस काट लीजिए, अदरवाइज सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर जो मिर्च डाली है इसको स्किप कर दीजिएगा। अब हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको ऐसे ही मोटा मोटा सा काट करके डाल दिया है। स्टू के अंदर सभी चीज़ों को रफली चॉप करके डालते हैं। ज़्यादा चॉपिंग और बारीक तरीके से नहीं बनाया जाता है, सिवाय लहसुन अदरक और हरी मिर्च के इस पेस्ट को। जो पेस्ट मैंने बनाया है उसमें मैंने उतना ही सामान लिया जितना अभी दिखाया था। चाहें तो मिर्ची वहाँ पर भी कम कर सकते हैं। तब तक जब तक पेस्ट तैयार होगा तब तक हमारे प्याज थोड़े भुन जाएंगे। मैं बीच बीच में ढक करके पका रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 किलो चिकन, छोटे पीसेस में लिया है। अच्छा स्टू बनेगा, जल्दी से बनेगा। नमक वाले पानी से चिकन को धो लिया है और चिकन को ऐड कर दिया है। अभी प्याज हल्के से पिंकिश हैं तभी ही ऐड कर दिया है। स्टू में कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक चलानी नहीं होती, गलानी नहीं होती। धीरे धीरे पकते पकते ही अपने आप ही गलता रहता है। हमें कुछ नहीं करना, धीमी आंच सब कुछ करती रहेगी। एक बार मिक्स कर दिया है, ऐसे ही पकने देंगे जब तक चिकन का कलर जो है वो वाइटिश होने न लग जाए। बस फिर से चला देंगे थोड़ी देर बाद। तब तक हम साइड बाय साइड टमाटर धो लेंगे और उनको काट लेंगे। 4-5 टमाटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। स्टू के अंदर वैसे और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए मैं इसको सिंपली प्याज टमाटर के साथ ही बना रही हूँ। ये जो स्टू है सबसे आसान स्टू है। अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ वो पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का है ये पेस्ट। 1 लहसुन है इसमें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 5-6 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च कम कर दीजिएगा। अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इतनी ज़रूर डालिएगा। अब हम इसे थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो चिकन में ऐड हो जाए, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट नहीं किया है। डायरेक्टली कच्चे गोश्त का स्टू बनाने जा रहे हैं तो लहसुन और अदरक का फ्लेवर अच्छे से ऐड होना चाहिए। कुछ सूखे मसालों की बात करते हैं। 1 चम्मच नमक लिया है, अब तक नमक नहीं डाला था। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। 3-4 साबुत लाल मिर्च ली हुई हैं, घर की सुखाई हुई। अब ये मसाले जो हैं वो आप इसमें से क्या क्या ऑप्शनल है, एक तो काली मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, साबुत मिर्चें ऑप्शनल है और हल्दी भी ऑप्शनल है। तो ये 3 चीज़ें भी हटा देंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये स्टू। लेकिन टेस्ट कम नहीं होगा, बस तीखापन थोड़ा सा कम होगा और कलर चेंज हो जाएगा। हल्दी की वजह से कलर येलोइश हो जाता है। लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक काफ़ी है एक स्टू को तैयार करने के लिए। अब हमने मसालों को डाल करके अच्छा सा एक मिक्स देना है। गैस को स्लो रखना है। स्लो कुक्ड चिकन स्टू है ये, कुकर में बना रहे हैं। बहुत अच्छे से गल के तैयार होगा, केवल 1 सीटी में ही ये बन जाएगा।
अब मसाले क्योंकि सूखे हैं तो हमने जो टमाटर काट के तैयार किए हुए थे उनको हम डाल देंगे साथ साथ। टमाटर के रस से मसाले गीले हो जाएंगे और जलने नहीं पाएंगे। अब टमाटर को मिक्स कर देंगे और फिर से वही स्लो कुकिंग। टमाटर धीरे धीरे गल रहे हैं तब तक हम दही को फेंट लेंगे। लगभग 200 ग्राम दही मैंने यहाँ पर ली हुई है और बहुत ही कम अमाउंट में पानी डालेंगे। ये पानी मैं सिर्फ उस जार में से निकाल ले रही हूँ जिसमें मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीसा था। आधे गिलास से भी कम पानी मैंने यहाँ पर डाला है, ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक से मत डालिए, स्टू के अंदर पानी ना डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दही भी पानी छोड़ेगा, टमाटर प्याज सभी पानी छोड़ेंगे, चिकन भी छोड़ेगा, तभी भी ये बहुत अच्छा सा ग्रेवी वाला बन के तैयार होता है। इस स्टू के अंदर हमने नमक काफ़ी बाद में डाला है। अगर आप टमाटर को गलाने के टाइम पर ही नमक डालेंगे तो ही बढ़िया स्टू बनता है। अगर प्याज को गलाने के चक्कर में पहले से ही नमक डाल देंगे तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा। स्टू के अंदर वो एक मीठा मीठा सा एहसास आना चाहिए हर एक चीज़ का, तो इसीलिए हम हर चीज़ को अपने हिसाब से गलने देंगे, ना कि नमक के हिसाब से गलने देंगे। तो अवॉइड कीजिएगा नमक शुरुआत में डालने का। मेरे मेथड से बनाएंगे तो स्टू आपका बढ़िया बनेगा। स्टू ज़्यादातर मीठा होता है, कम मसालों वाला होता है, लेकिन मैं इसकी हीट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। गरम मसाला मैंने घर का यूज़ किया है, इसमें काफ़ी काली मिर्च है तो काली मिर्च का पाउडर भी अवॉइड कर सकते हैं। दही को डालने से इस स्टू के अंदर के जो मसाले हैं वो अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया सा एक खट्टा मीठा सा स्वाद आने लगता है। प्याज की वजह से मिठास आएगी, टमाटर और दही से खट्टापन आ जाएगा और ढेर सारी जो मिर्चें हमने डाली हैं उनसे एक बढ़िया सा तीखापन आ जाएगा इस स्टू के अंदर। बस वही स्लो कुकिंग में धीरे धीरे चलाते हुए हमने दही को यहाँ पर पका लेना है। एक्स्ट्रा पत्ते और बड़ी इलायची के टुकड़े यहाँ पर अगर निकाल सकें तो निकाल दीजिए, अदरवाइज़ लास्ट में निकाल लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि दही फट रही है फेंटने के बावजूद, तो आप दही को फेंटते समय उसमें आधी चम्मच आटा मिला करके फेंट देंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। बस अब एक बॉयल आने देना है हमें, थोड़ी देर हम इसे खुला पकाएंगे ताकि दही अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। अदरवाइज़ दही का अजीब सा एक फ्लेवर बढ़ जाता है ढककर बना दिया तो। हो सके तो यहाँ पर एक बार गैस को तेज करके फिर दही को पका लीजिए। अब एक बॉयल आने तक मैं इसे सिंपली ऐसे ही ढक कर के पकाऊंगी और फिर कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। मेक श्योर यहाँ पर हम चेक कर लें नमक सही है, पानी बिल्कुल कम ना हुआ हो। अगर लग रहा है कि ढक कर के एक उबाल लाने में पानी सारा खर्च हो गया तो आधी गिलास पानी डाल लीजिएगा। मेरे यहाँ पर इसमें पानी काफ़ी है, दही पतली थी तो काम चल रहा है। बस अब कुकर में एक सीटी लानी है, वो भी स्लो आंच पर। इतने में चिकन बहुत आराम से गल जाता है। अब तक हम बहुत ही तसल्ली से इसे बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो स्टू है ये एकदम मेल्ट इन माउथ स्टू बनेगा। आप हाथ लगाएंगे उसी से ही प्रोटीन जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, इतना सॉफ्ट बनता है। और फिर मैंने यहाँ पर जो चिकन लिया हुआ है वो बहुत बड़े पीसेस में नहीं लिया हुआ है, इसलिए ये जल्दी ही गल के तैयार हो जाता है। मुझे इस स्टू को विदाउट प्रिपरेशन बनाने में कुल मिलाकर के आधा घंटा ही लगा है, जिसमें मैंने प्याज को पहले से काटा हुआ था, उसके अलावा मैंने चिकन को भी बीच में ही धोया है जब प्याज बुन रहे थे। तो पहले से कोई लंबी चौड़ी प्रिपरेशन नहीं की है, मोटा मोटा काट के सब कुछ डाल दिया है और ये मेरा बढ़िया सा स्टू बन के तैयार हो गया है। सर्व करने में ही अगर मुँह में पानी आ रहा हो तो ज़रूर चख लीजिएगा, देख लीजिए स्वाद अच्छा लग रहा है या नहीं। मुझे तो ये स्टू बहुत पसंद आया। अगर आपको भी बनाने के बाद इस स्टू का मज़ा आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। और अगर आपने इस रेसिपी को बनाते समय कहीं पर घोटाला कर दिया है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हो सकता है शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ जिससे आपका स्टू अगली बार बढ़िया बन सके। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन में 200 ग्राम प्याज डाले हैं और 200 ग्राम टमाटर और 200 ही ग्राम दही डाली है, तो रेशियो कुछ इस तरीके का रखा है। हरी मिर्च और अदरक से गार्निश कर रही हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ये स्पाइसी स्टू है, मीठे वाला स्टू नहीं है, ये एकदम स्पाइसी तड़कता फड़कता हॉट सा स्टू है।
इस स्टू को राइस के साथ या नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी कार्बोहाइड्रेट के साथ आप सर्व कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। बच्चों के लिए बना रहे हों तो हर जगह से मिर्ची को स्किप करते चले जाइए। बहुत ही अच्छा, टेस्टी और हेल्दी स्टू बन करके तैयार हो जाएगा, बच्चों के लिए बिना मिर्च का, बड़ों के लिए खूब सारी मिर्च डालकर। तो ये स्टू की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, जिससे कि आप मेरी वीडियोस देखते रहें।